गुड इवनिंग बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब क्लोज टेस्ट, मीन्स माय टॉपिक इज क्लोज टेस्ट एंड यू नो आई एम संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्लोज टेस्ट एंड टुडे यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू नो हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट प्रॉपरली। इफ यू वांट टू सॉल्व इट clearly, properly, will have some proper knowledge of closed test. First, you must know what kind of passage is given to you. Then, we'll have a cursory look at the passage and then just see the words that are given there. And after all, means at last, just fill in the blanks that are given in the passage. So let's try how we are going to take up main solve this passage. This is before you. This is ये passage है। जब भी आप कोई passage solve करने चाहें close test का, तो सबसे पहले इसे एक सरसरी निगाह से देख लें आप किस चीज पर वो passage दिया गया है। इससे आपको एक idea generate हो जाएगा कि हम किस चीज पर करने जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जो वर्ड्स दिए गए हैं आप उनको कैटेगराइज कर लेंगे आप कि आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं या फिर नेगेटिव वर्ड्स यूज करने हैं। ये आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लोज टेस्ट के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें हैं प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर, मीन्स आपके पास ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर नॉलेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी जो डिफरेंसेस होते हैं वर्ड्स के बीच वो आप समझें, प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का आपके पास नॉलेज हो, प्रॉपर नॉलेज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स का नॉलेज हो, एंड आफ्टर ऑल योर कॉमन सेंस, मींस पैसेज को पढ़ने पर आपके अंदर एक कॉमन सेंस आ जाता है कि हम कौन सा वर्ड यहां अप्रोप्रिएट होगा, सुटेबल होगा। तो सबसे पहले ये पैसेज देखें आप और फिर पांच ब्लैंक्स हैं यहां पर दिए हुए, उन पांचों ब्लैंक्स में जो सुटेबल वर्ड्स हो, जो बेस्ट हो इनमें, उसे चूज करने की कोशिश करें आप। ठीक है, तो शुरू करें। द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर सो स्मॉल दैट दे आर डैश फॉर फ्लाइंग, अर्लियर सच बर्ड्स डैश फ्लाई, बट आफ्टर लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ डैश इन प्लेसेस वेयर दे हैड नो डैश देयर वॉज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई एंड दे डैश ऑन द ग्राउंड। दिस पैसेज डिस्क्राइब्स द सिचुएशन, द कंडीशन ऑफ द बर्ड्स दैट वर लिविंग अर्ली, मीन्स द बिफोर अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये पैसेज आपको ये बता रहा है कि हम उन बर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो पहले रहा करते थे और उनकी पोजिशन की कंडीशन क्या थी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा बर्ड हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ध्यान रखें ज्यादातर एग्जाम्स में आप क्लोज टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, अल्टरनेट करके आपको कॉम्प्रिहेंशन भी दिया जाता है, बट आप इसे तैयार करेंगे तो सीजीएल मेंस टाइप के एग्जाम्स में जहां 30 नंबर के आसपास, 30 नंबर्स आर गिवन ओनली फॉर योर क्लोज टेस्ट, 30 नंबर के आसपास आपको क्लोज टेस्ट पे दिए जाते हैं तो कहीं कहीं काम आएंगे। इफ यू आर डिजायरिंग टू गेट प्रॉपर मार्क्स, अक्वायर प्रॉपर मार्क्स इन सीजीएल मेंस, you must know that 55 numbers you can acquire with the help of comprehension and closed test. So if you are trying your level best, you can always solve this kind of passage. Okay? So the wings of some birds are so small. The wings of some birds are so small that they are dash. अब हमको पहले खाने भरना है, यानी कुछ पक्षियों के पंख इतने छोटे होते हैं कि वे यूजलेस होते हैं, यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं या सूटेड होते हैं फॉर फ्लाइंग, उड़ने के। कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है? एक शब्द यहां है स्मॉल, जो आपको एक सेंस देगा कि आपको पॉजिटिव वर्ड यूज करना है या नेगेटिव वर्ड यूज करना है। क्या लग रहा है आपको? यूजलेस होगा। अगर यूजलेस भरते हैं तो द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर सो स्मॉल दैट दे आर यूजलेस फॉर फ्लाइंग, ये नेगेटिव वर्ड है। ये सारे जो यूजफुल है, बेनिफिशियल है, सूटेड है, क्या यहां पे सेट होते हैं?
The wings of some birds are so small that they are useful for flying. छोटे जो wings हैं वो flying के लिए कैसे उपयुक्त हो सकते हैं? तो अगर useful नहीं होते हैं तो beneficial कैसे हो सकते हैं? और अगर वो beneficial नहीं हो सकते हैं तो suited कैसे होंगे वो? कैसे suit करेंगे flying के लिए वो? तो आप समझ रहेंगे कौन सा answer होगा यहाँ पे? Useless हो जाएगा. यानी the wings of some birds are so small that they are useless for flying. Okay? Earlier, यानी पहले, such birds ऐसे जो पक्षी हुआ करते थे, does fly. क्या होगा? Should fly. अब यहाँ देखिए models का proper knowledge आपके काम आएगा. Should का प्रयोग कहाँ करते हैं? Might का प्रयोग कहाँ करते हैं? Could का प्रयोग कहाँ करते हैं? Can का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर आपको याद हो शुड वहां करते हैं जहां चाहिए वाला भाव होता है, मीन्स एक सामान्य अवस्था में शुड का प्रयोग करते हैं. माइट वहां करते हैं जहां पे आपको एक प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है, संभावना दिखाई देती है. कुड वहां करते हैं जहां पे आपको कहीं पोटेंशियल मीन्स स्ट्रेंथ आपकी दिखाई देती है. और कैन उसका प्रेजेंट है, यहां भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई देती है. तो सबसे पहली चीज कि जब हम अर्लियर की बात कर रहे हैं तो फिर कैन का प्रयोग तो नहीं हो सकता है. और शुड का इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे आपका ये नहीं कहना चाह रहे कि अर्लियर सच बर्ड्स शुड फ्लाई, पहले उन पक्षियों को उड़ना चाहिए. ऐसा कह रहे हैं क्या? तो क्या कहना चाह रहे हैं? अर्लियर सच बर्ड्स माइट फ्लाई या अर्लियर सच बर्ड्स कुड फ्लाई, क्या होगा? दोनों में से ही होगा क्योंकि शुड तो नहीं होगा और कैन नहीं होगा. इन्हें एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इनकी कोई प्रॉबिबिलिटी ही नहीं. हमें दो में से चूज करना है, माइट फ्लाई या कुड फ्लाई. तो क्या दिखाई जा रही है? उनके उड़ने की संभावना दिखाई जा रही है या उनके उड़ने की क्षमता दिखाई जा रही है कि पहले वो उड़ सकते थे? क्षमता या प्रोबेबिलिटी क्या शो कर रहा है? माइट या कुड? कुड होगा ना. अर्लियर सच बर्ड्स कुड फ्लाई, यानी पहले ये पक्षी उड़ सकते थे. चलिए तो स्टेप्स आप ले चुके हैं नाउ. But after living for thousands of days in places, but उन स्थानों पर हजारों हजारों क्या हजारों weeks रहने के बाद, हजारों साल रहने के बाद, हजारों months रहने के बाद या हजारों ages रहने के बाद, which is going to be the best? कौन सा इसमें best है? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्या हजारों सप्ताह रहने के बाद? कभी कहा आपने? नहीं. हजारों साल बीत गए, शायद कहते हैं. हजारों मंथ्स बीत गए, हजारों महीने बीत गए, कभी कहा? नेवर. हजारों एजेस, हजारों सदियां बीत गई, सदियों में खुद ही हजारों हजार साल होते हैं, फिर कहां से लगेगा? आप समझ रहे होंगे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. ये सबसे कॉमन सेंस पे है. तो बट आफ्टर लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ क्या होगा? वीक्स, ईयर्स, मंथ्स, एसेस, क्या कहना चाहते हैं? एक ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन? ईयर्स, थाउजेंड्स ईयर्स, हजारों वर्ष बीत गए, हजारों साल बीत गए, यही ना. तो बट आफ्टर लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन प्लेसेस, यानी ऐसे स्थानों पर हजारों साल रहने के बाद, वेयर, जिन स्थानों पर, देखिएगा प्लेसेस के लिए क्या लगाया गया, वेयर, वेयर दे हैड नो डैश, उन स्थानों पर क्या नहीं थी उनके पास, वहां विंड नहीं थी, कोई ऐसा स्थान ही नहीं जहां पृथ्वी पे विंड ना हो, स्काई नहीं था, स्काई तो रहा ही होगा ना, एनिमीज नहीं थे, यानी वहां उनके शत्रु नहीं थे, या फ्रेंड्स नहीं थे, या फिर दोस्त नहीं थे, कौन सा बेस्ट है? अब मुझे नहीं लगता अगर आप इतना समझदार होंगे आप कि एलिमिनेशन सिस्टम समझते होंगे. जैसे आप केबीसी देते थे ना तो आपके पास 50-50 होता था, ऐसे छांटना सीखे, एलिमिनेट करना सीखे कि इस अवस्था में वेयर दे हैड नो विंड तो नहीं होगा, वेयर दे हैड नो स्काई तो नहीं होगा, हर हाल में नहीं. हमें चूज करना है एनिमीज या फ्रेंड्स. तो अभी कॉमन सेंस लीजिएगा, यानी हजारों साल ऐसे स्थानों पर रहने के बाद जहां दे हैड नो एनिमीज, जहां उनके पास शत्रु नहीं थे, देर वॉज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई, इसलिए उन्हें उड़ने को कोई आवश्यकता नहीं थी, या दे हैड नो फ्रेंड्स, देर वॉज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई,
या फिर उनके पास वहां पर मित्र नहीं थे जिससे उन्हें उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्या नहीं रहे होंगे जिसकी वजह से उन्हें उड़ना नहीं पड़ता रहा होगा, शत्रु नहीं रहे होंगे, दुश्मन नहीं रहे होंगे जिनसे डर कर उन्हें भागना नहीं पड़ता रहा होगा। यहां क्या बेस्ट आपका है, वेयर दे हैड नो क्या होगा एनिमीज हो जाएगा, वेयर दे हैड नो एनिमीज, क्योंकि उन स्थानों पर उनके पास क्या नहीं थे, शत्रु नहीं थे उनके, देयर वाज नो नीड, इसलिए उन्हें कोई जरूरत नहीं होती थी फॉर देम टू फ्लाई कि वो क्या करें उड़े, इसलिए एंड दे डैश अंडरग्राउंड। अब चार ऑप्शन आपके पास, दे स्टेप्ड क्या वो नीचे ऐसे उतरते थे, नहीं, दे स्टेड वो रुकते थे ठहरते थे वहां रहते थे वहां, दे क्रॉल्ड अंडरग्राउंड वो क्रॉल करते थे, क्रॉल तो सरीसृप करते हैं ना, पक्षी कैसे करेंगे, तो एंड दे क्रेप्ट अंडरग्राउंड, ये भी वही आपका है, क्रेप्ट क्रीप करना रेंगना सरकना, तो बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, स्टेप्ड विल हैव टू यूज और स्टेड विल हैव टू यूज, क्रॉल्ड और क्रेप्ट, व्हिच ऑप्शन डू यू वांट टू यूज हियर, यू मस्ट यूज स्टेड, we cannot use step because they did not take step, we cannot use crawl because the birds did not crawl, they did not crept sorry they did not creep because birds do not creep, it means the best option for you is stay, it means and they stayed on the ground, ye panch hai aapke, fir se ek baar apne ko check kar le aap, the wings of some birds are so small that They are useless for flying. कि वो उड़ने के लिए मतलब जरूर नहीं उनकी कोई है. A rare such birds could fly, but after living for thousands of years in places, ऐसे स्थानों पर हजारों वर्ष रहने के बाद where जिन स्थानों पर they had no enemies, उनके कोई शत्रु नहीं हुआ करते थे, इसलिए there was no need for them to fly. इस जो कि शत्रु नहीं थे तो उड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, एंड दे स्टेड ऑन द ग्राउंड, और वो कहां रह जाते थे, जमीन पर ही धरती पर ही वो रह जाते थे. ओके, बट दैट्स नॉट द एंड, द नेक्स्ट पैसेज फ्रॉम इट इज हियर, आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ समय बाद, देयर नाउ वी हैव ऑप्शंस, ट्रेन्ड वंस, old ones, young ones or pregnant ones, which is the best, once samajhte hain, there yani un pakshiyon ke kya ones, to agar aap words use karte ho to aap jante honge young ones means bachche hote hain na, to after a while their young ho jayega, their young ones could no longer rise into there, kuch samay baad kya hua ki unke jo bachche the ab wo hawa mein kuch No longer rise. हवा में क्या नहीं उठ सकते थे, उठ नहीं सकते थे, कौन, their young ones, young ones means बच्चे, the ostrich, rhea, emu and cassowary, ये पक्षियों के नाम है, तो the ostrich, rhea, emu and cassowary dies, cannot, could, would or should, क्या नहीं, अब अगर हम लेते हैं cannot, So the ostrich, rhea, emu and cassowary cannot fly, but they can run fast on their long. ये but they can बता रहा है कि यहां पे आप could नहीं ले सकते हैं क्योंकि present भी use किया गया है, तो could eliminate कर दें आप, B option था यहां पे, would नहीं होगा क्योंकि past नहीं present की बात कर रहे हैं, should नहीं होगा क्योंकि यहां should का कोई use ही नहीं आपका है, यानी cannot is the best option. तो द ऑस्ट्रिच रिया एमो एंड कैसोवरी कैन नॉट फ्लाई यानी वो उड़ नहीं सकते हैं बट दे कैन रन फास्ट लेकिन वो तेजी से दौड़ सकते हैं ऑन देयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स किन पर दौड़ सकते हैं अपने लंबे लंबे मजबूत पैरों पर वो दौड़ सकते हैं अब यहां से प्रेजेंट आपका सिस्टम हो गया ऑस्ट्रिचेस डैश इन अफ्रीका And are found on the grassy plains. Are found है ध्यान रखेगा तो क्या होगा थर्ड में ostriches lived तो फिर are नहीं होगा
ऑस्ट्रिचेस लिव हो सकता है, ऑस्ट्रिचेस हैव लिव शायद नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रिचेस यूज्ड टू लिव एंड आर फाउंड, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? लिव्ड होना चाहिए, लिव होना चाहिए, ऑस्ट्रिच रहते थे इन अफ्रीका, अफ्रीका में क्या अभी नहीं रहते क्या? ऑस्ट्रिच लिव इन अफ्रीका, ऑस्ट्रिच जो है अफ्रीका में रहते हैं, या ऑस्ट्रिच हैड लिव्ड इन अफ्रीका, अफ्रीका में रहते थे, या ऑस्ट्रिच यूज्ड टू लिव इन अफ्रीका, या फिर अफ्रीका में रहा करते थे। लेकिन अगर आपने पास्ट लिया लिव्ड, हैड लिव्ड और यूज्ड टू लिव, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिचेस लिव्ड इन अफ्रीका एंड आर फाउंड इन द ग्रासीपेड्स, गलत होगा ना, यानी हमको प्रेजेंट ही यूज करना होगा। तो ऑस्ट्रिचेस लिव हो जाएगा, लिव इन अफ्रीका एंड आर फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस ऑफ डैश। ये ग्रासी प्लेसेस है डैश, क्या होगा, व्हेन, वेयर, सो दैट, बिकॉज, क्या लेना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा आपके पास? फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस, प्लेसेस क्या व्हेन लेंगे, क्या प्लेसेस के लिए व्हेन बेस्ट हो सकता है ना, क्या वेयर लेंगे, प्लेसेस के लिए वेयर तो लगा सकते हैं, क्या सो दैट लेंगे, प्लेसेस के लिए सो दैट का क्या मतलब है, बिकॉज से कोई मतलब नहीं है, यानी बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वेयर, तो वी आर गोइंग टू चूज वेयर। नाउ आर फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस वेयर दे लिव अलोंग विद बिग ग्रुप्स ऑफ जेब्रास, जहां वो बड़े बड़े ग्रुप्स, जेब्रास जो बड़े 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 ग्रुप्स थे उनके साथ रहा करते थे, अलोंग विद मींस के साथ साथ। द रिया लुक्स लाइक द ऑस्ट्रिच, जो ये पक्षी रिया, ये लुक्स लाइक द ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है, डैश क्या होगा यहां, इवन दो यद्यपि की, बट लेकिन, एंड ऑल और इन स्पाइट। अब इसका आगे वाला पोर्शन पढ़ लें, इट इज स्मॉलर एंड हैज थ्री टोज ऑन ईच फीट व्हाइल द ऑस्ट्रिच हैज ओनली टू, इट इज स्मॉलर यानी इसका जो साइज है लुक लाइक ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है लेकिन ये स्मॉलर है, कहेंगे लेकिन ये स्मॉलर है, यानी इनमें बेस्ट कौन सा होगा, बट इट इज स्मॉलर एंड हैज थ्री टोज ऑन ईच फीट व्हाइल द ऑस्ट्रिच हैज ओनली। फिर से पूरा मिला, आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद, देयर यंग वंस उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, कुड नो लॉन्गर राइज इन टू द एयर, वो हवा में उठ नहीं सकते थे, द ऑस्ट्रिच रिया एमो एंड कैसोवरे कैन नॉट फ्लाई, अब ये उड़ नहीं सकते हैं, अब उड़ नहीं सकते, कैन नॉट क्यों लिया था हमने, क्योंकि आगे दे कैन है, बट दे कैन रन फास्ट ऑन देयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स, लेकिन वो अपने लंबे लंबे मजबूत पैरों पर दौड़ सकते हैं, दे लिव, सॉरी ऑस्ट्रिचेस थर्ड में क्या चूज किया था, लिव, ऑस्ट्रिचेस लिव इन अफ्रीका एंड आर, ये आर बता रहा था कि आप प्रेजेंट में हैं, इसलिए आपने लिव लिया, ऑस्ट्रिचेस लिव इन अफ्रीका एंड आर फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस, प्लेसेस यहां पे है तो फिर वेयर आपका बेस्ट होता, क्योंकि प्लेस के लिए हम वेयर लगाते हैं, टाइम के लिए हम व्हेन लगाते हैं, कॉज यानी कारण के लिए हम वाई लगाते हैं, और मैनर के लिए हम हाउ लगाते हैं, और डिग्री के लिए हम हाउ मच लगाते हैं। तो वेयर दे लिव अलोंग विद बिग ग्रुप्स ऑफ जेब्रास, द रिया लुक्स लाइक द ऑस्ट्रिच, यानी जो रिया है वो ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है, बट लेकिन इट इज स्मॉल, लेकिन ये क्या है, छोटा होता है, एंड हैज थ्री टोस, लेकिन तीन टोस होते हैं ऑन ईच फीट, हर फीट पर, व्हाइल द ऑस्ट्रिच हैज ओनली टू, जबकि ऑस्ट्रिच के पास केवल कितने होते हैं, दो होते हैं। ये आपके पास रहेगा, मेहनत करिएगा आप इसको, और धीरे धीरे, ये मैंने आज जानबूझ के हल्का सा लेवल पे आपको दिया है, ताकि जो बच्चे अभी वीकर लेवल पे हो वो भी कर सकते हो, बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट who is going to appear in CCL, CHSL or MTS type exams, in which you are given closed tests. If you are trying your level best, you will certainly be able to understand the meanings of the words, the meanings of the passages, and then you will certainly be able to understand which word is going to be the best option for this passage. So, please try your level best so that you may get or you can get success in your exams. Thanks.
कल फिर 8 बजे इसी क्लोज टेस्ट इसी तरीके के और बेहतर क्लोज टेस्ट के साथ मैं फिर आऊंगा। सीखने का प्रयास करें, अगर कभी आपको लगे कि कुछ चीजें आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो आपको और हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि ये चीजें और आपके लिए आसान हो, क्योंकि आप इनसे बच नहीं सकते। अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको कहीं ना कहीं इनको फेस भी करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ चीजें करें, शब्दों के बीच में अंतर करना सीखें, जैसे एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, एक्नॉलेज मीन्स भी वही होता है, एश्योर्ड मीन्स वही होता है, एडमिट मीन्स वही होता है, कॉन्फेस मीन्स वही होता है, एक्सेड मीन्स भी वही होता है, लेकिन इन सबके में जिनके में स्वीकार करना होता है, मानना होता है, इन सब में अंतर होता है। जैसे कहीं पे कोई वर्ड है जिसका वही मतलब कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन उनके बीच में जो अंतर है वो आपको जानना होगा। जैसे रिवार्ड क्या होता है, अवार्ड क्या होता है, प्राइस क्या होता है, इनके बीच जो अंतर है वो आपको जानना होगा। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो बेस्ट ऑप्शन के रूप में आप चूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई अवर लेवल बेस्ट एंड आफ्टर सम टाइम we will certainly say that closed tests are not so difficult as we had thought about them. Okay, thanks. Kal 8 baje. Thanks for your support. Aur haan, please share karna, like karna aur apne comments dena katai na bhule. Aur jin bachchon ne subscribe na kiya ho, wo abhi tulk subscribe kare. Aur jo bachche chahte hain, jin lagta hai behtar prayas hai, behtar effort hai, unhe jarur jarur ne share karna chahiye taaki dusre bachchon ko bhi pata chale ki 8 baje Santosh sir roz kareeb roz yahan pe aane wale hain aur behtar topics aapke liye lane wale hain, kyunki acche din aane wale hain. Thank you.